नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश हेल्प पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ये वर्ड लिखा देख रहे होंगे, प्रेफर और प्रेफरेबल, बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत ही कॉमन सा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जनरल इंग्लिश के हर पेपर में, हर एग्जाम में, कि प्रेफर के साथ क्या प्रिपोजिशन आती है। तो पहले तो मैं प्रेफर के बारे में बता दूं जो नहीं जानते हैं। प्रेफर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ज्यादा पसंद करना, दो चीजों में या कई चीजों में किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, वो होता है प्रेफर का मीनिंग। एक उर्दू वर्ड है तवज्जो देना, जी हाँ। और प्रेफरेबल उसी से बना जो है एक एडजेक्टिव है। तो प्रेफर के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होती है वो हम यहां पर देखते हैं। बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, हर मैंने कॉमन और सिंपल वर्ड इसीलिए लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और ज्यादातर ये टी और कॉफी वाला ही सेंटेंस हमें एग्जाम में भी मिलता है और एग्जांपल्स में भी देखने को मिलता है। लिखा है आई प्रेफर टी। अब ये चीज ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं ये सारे वो वर्ड हैं जो एग्जाम में कॉमन एरर के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं। एग्जाम में कॉमन एरर या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में ऑप्शंस के तौर पर ये सारे वर्ड आपको मिल सकते हैं, लेकिन इनमें से सही सिर्फ एक ही होगा। आई प्रेफर टी टू ऑब्लिक देन ऑब्लिक इन प्लेस ऑफ ऑब्लिक बट ऑब्लिक फ्रॉम कॉफी। यहां ये कहना चाह रहे हैं कि मैं प्रेफर करता हूं, ज्यादा पसंद करूंगा या करता हूं चाय बजाय की कॉफी के। लेकिन जो प्रेफर यहां पर वर्ब है इसके साथ इंग्लिश में ज्यादातर रूल्स ऐसे ही हैं कि कुछ वर्ड के साथ कुछ वर्ब के कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं और उन्हीं कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा गड़बड़ करके एग्जाम में दिया जाता है ताकि हम उसे सही कर सकें या फिर सही वर्ड वहां पर चूज कर सकें। आई प्रेफर, अब हम सबके साथ इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफी, सुनने में सही लग रहा है। आई प्रेफर टी देन कॉफी, सही लग रहा है। आई प्रेफर टी इन प्लेस ऑफ कॉफी, बड़ा ही सिंपल सी बात है और सही भी लग रही है, सही मीनिंग दे रही है। फिर लिखा है आई प्रेफर टी बट कॉफी, थोड़ा सा मीनिंग ये भी दे रहा है। फिर लिखा है आई प्रेफर टी फ्रॉम कॉफी, तो सब कहीं ना कहीं के बजाय से इस तरह का मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन आप सब ये कॉमन सी बात जानते होंगे कि यहां पर सही इनमें से कोई एक ही है। तो देन इन प्लेस ऑफ बट फ्रॉम, ये सब गलत होंगे, अपनी जगह सही मीनिंग दे रहे हैं लेकिन प्रेफर के साथ गलत होंगे, क्योंकि प्रेफर के साथ एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, किसका, टू का। प्रेफर अगर आया है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आएगी टू। तो ये क्वेश्चंस बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था जो अक्सर पूछा जाता है और आप सबको इसके बारे में जहां तक पता भी होगा। कुछ और बातें हैं इससे रिलेटेड जो मैं यहां पर आपको शायद ना पता हो या बहुत लोगों को पता भी होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। सही सेंटेंस है आई प्रेफर टी टू कॉफी, किन्हीं भी दो नाउंस के बीच या दो चीजों के बीच प्रेफर वर्ड से जब चुनाव की बात होती है तो वहां पर प्रेफर के बाद टू आता है। ये क्लियर हो गया आपको। अब यहां पर एक वर्ड और लिखा है प्रेफरेबल, प्रेफरेबल की बात में करते हैं। प्रेफर के साथ टू ही आता है, बिल्कुल सही है, और ज्यादातर एरर भी टू से रिलेटेड ही आते हैं। लेकिन नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो वर्ड मैंने ऊपर नहीं लिखा था, लिखा है आई प्रेफर टी टू कॉफी, टू सही है आप जानते हैं। फिर लिखा है आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी, ऊपर वाले में रेदर देन नहीं लिखा हुआ था, नीचे लिखा है रेदर देन, जिसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के बजाय या की जगह पर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी, कि कॉफी के बजाय, कॉफी की जगह, बल्कि मैं क्या पसंद करता हूं, चाय। प्रेफर है, उसके साथ टू आएगा, बिल्कुल सही है। बट रेदर देन क्यों अलग से लिखा गया है, क्या ये भी आ सकता है? तो यहां पे ये देखिए, और ये ध्यान देने वाली चीज थी कि प्रेफर के साथ टू आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रेफर के साथ एक ऑप्शन और है, रेदर देन भी आ सकता है। जब प्रेफर के साथ दो चीजों के बीच चुनाव की बात हो रही हो तो रेदर देन भी आ सकता है। हालांकि एग्जाम्स में रेदर देन से रिलेटेड एरर्स आती नहीं है जल्दी, प्रेफर के साथ टू ही आता है, लेकिन फिर भी आप ये जानिए कि अगर प्रेफर के साथ दो चीजों के चुनाव में रेदर देन भी लिखा हुआ है टू की जगह पर, तो वो भी सही है।
तो हमें यहां क्या समझ में आया कि प्रेफर के साथ टू सही है, प्रेफर के साथ रेदर देन भी सही है। ये एक बात हो गई। फिर एक वर्ड है प्रेफरेबल, प्रेफर से ही बना हुआ एक एडजेक्टिव है प्रेफरेबल। प्रेफर का मतलब पसंद करना या चुनना, और प्रेफरेबल का मतलब कि कोई चीज जो हमें ज्यादा पसंद है। जैसे कि यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, मिल्क इज प्रेफरेबल देन या टू टी, कि मिल्क जो है वो प्रेफरेबल है, ज्यादा चुना जाने या पसंद किए जाने योग्य है बजाय कि चाय के। इस तरह से सेंटेंस को जब यूज किया जाता है तो प्रेफर की जगह प्रेफरेबल आ जाता है, किस फॉर्म में, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में। लेकिन इसके बाद भी कोई ना कोई कंजंक्शन आना है, तो वो क्या होगा, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। अभी हमने पढ़ा कि प्रेफर के बाद टू भी आ सकता है और रेदर देन भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर प्रेफरेबल जब आ जाए तो इसके बाद क्या आना चाहिए, रेदर देन या टू या देन। तो बहुत लोगों को आंसर पता भी होगा, आप जानते होंगे कि क्या सही आंसर है। ये देखिए, ये सही आंसर है। बहुत ही कॉमन सी बात कि प्रेफर के बाद टू यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेफरेबल के बाद भी टू ही यूज होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रेफर के बाद भी टू और प्रेफरेबल के साथ भी टू। यहां पर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जेक्टिव शायद देन आ जाए, बट ऐसा नहीं है। प्रेफर के बाद भी टू और प्रेफरेबल के बाद भी टू, और साथ ही प्रेफर के साथ एक और ऑप्शन है रेदर देन। तो ये कॉमन सी चीज अब हमें यहां पर पता लग गई कि इन दोनों के साथ ही हम टू ही यूज करते हैं और एक ऑप्शन के तौर पर रेदर देन यूज करते हैं, बट ज्यादातर एरर टू की ही आती है। तो ये चीज बहुत ही छोटी बात थी, बहुत ही कॉमन बात, लेकिन आपके किसी भी एग्जाम में जो है ये एक मार्क ऐड कर सकती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। सो ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत से वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। बहुत से वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं जिनको आपने शायद अभी ना देखा हो, तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। कोई और आपका सजेशन या क्वेश्चन हो तो वो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स।